गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हो आप सब? होगा आप सब अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए, सेफ हो गए। मैं भी ठीक हूँ। और आज कल मैंने ब्लॉग बनाया था वो मिसकैरेज वाला, बट मेरे मुँह में पसीना कितना तो सारा हो रहा है, देख रहे हो? ये पानी नहीं, ये पसीना है। तो गाइज कल मैंने वाला ब्लॉग डाला था, तो पहले नहीं, सबसे पहले तो मैंने अपना प्रेगनेंसी वाला ब्लॉग डाला जो मैंने बना के रखा हुआ था, बट मैंने सोचा था कि 3 महीने बाद डालूंगी, तो मैंने वो आज डाला है। आज अभी जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो मैंने आज वो डाला है, बट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। सब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है जो आप मेरे यूट्यूब पे हो शायद मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो। तो मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है भावना पंत 26, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लो जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, और यहाँ जो मैंने वीडियो डाली, यहाँ मैंने डाल दी प्रेगनेंसी वाली। ऑफकोर्स हाँ, ये बात है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई होगी, बट ये अब मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मत दो क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला। और बाकी ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, और जैसा भी हुआ भगवान ने जो चाहा अच्छा ही भगवान सोचते हैं, आगे सब ठीक ही होगा। और तो अब मैं धीरे धीरे डालूंगी तो शायद यूट्यूब वालों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बट यूट्यूब वाले इंस्टाग्राम पे ही मुझे फॉलो कर लो जिससे कि, क्योंकि मैं ज़्यादा अपडेट इंस्टा पे देती हूँ रेगुलर, यहाँ पर तो मैं बाद में देती हूँ यूट्यूब पे। बाकी अब मैं ठीक हूँ, पूरी ठीक नहीं हूँ, पेट में मेरे बहुत दर्द है अभी भी। 1 मिनट, हस्बैंड आ गए। हाँ आई, कौन? हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ, जो कि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि दी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या करें। और उस टाइम बीच में मैं थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मेरी तबियत खराब थी, जैसा कि सबको ही पता है कि मेरे साथ अभी बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी है। तो उसकी वजह से भी और भी मेरी बहुत सारी वजह से मैं आजकल मेरी तबियत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मुझे रोज़ डॉक्टर के पास बाहर जाना पड़ रहा था, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कैसा कैसा क्या क्या हुआ है। तो रोज़ दिन में धूप में गर्मी में बहुत ज़्यादा जाना पड़ रहा था, और घर पर भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अजीब ही हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और ऐसी प्रॉब्लम और भी जने बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे। तो सबने मुझसे कंसल्ट करा कि दी ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हम कैसे क्या करें। तो मैंने सोचा यार ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, तो मैंने थोड़े दिन का वेट करा कि पहले मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस सब चीज के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो गाइज ऐसा हुआ भी, बीच में मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो रही थी, बहुत ही ज्यादा, और मैं अपनी स्किन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप मेरे बाकी ब्लॉग्स देख रहे हो कि मेरी कैसी हालत हो रही थी अभी थोड़े दिन पहले। तो मैंने सिर्फ अपना फेस वॉश यूज कर रही थी और अपना स्किन केयर में पूरा भूल गई थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। तो मेरी स्किन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी लास्ट 1 महीने से, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी मेरी स्किन पे ना। मैं सिर्फ फेस वॉश यूज़ करी थी, मैं एक मेरे को बहुत पसीने आ रहे थे, बहुत ऑयली ऑयली स्किन हो रही थी। तो जब होता है ना, मेरी स्किन बहुत ऑयली होती है तो बहुत मतलब चिपचिपाहट से थे, हर वक्त बस फेस वॉश करने का मन करता है ठंडे ठंडे पानी से। तो मैं हमेशा हमेशा अपने क्योर स्किन के फेस वॉश से अपना फेस तो वॉश कर ले रही थी, बट अगर हम फेस वॉश का हमारे 2 टाइम होते हैं, एक सुबह एक रात को, बट फेस वॉश हम दिन में ही 4-5 बार यूज़ कर लेंगे तो हमारी स्किन पर अलग से ना पैचेस जैसे हो जाते हैं, और हम अपना पूरा स्किन, क्योंकि क्योर स्किन आपको पता है मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और मेरे सारे प्रोडक्ट्स इसमें हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो कि मुझे सब कुछ लगाना चाहिए क्योर स्किन का, इसमें सनस्क्रीन भी है, मॉइस्चराइजर भी है, बट मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रही थी इतने टाइम से, सिर्फ मैं फेस वॉश यूज़ कर रही थी, उसकी वजह से ना मेरी स्किन पे बहुत अजीब से ना पैचेस जैसे हो गए थे। तो मैं भी खुद ऐसी परेशान थी जैसे आप लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा कि यार मेरी स्किन पर अजीब सा क्या हो रहा है। तो मैंने ना अपने जो क्योर स्किन की मेरी डॉक्टर है, हमेशा जो मेरी पर्सनल डॉक्टर है जिनसे मैं हमेशा कंसल्ट करती हूँ, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी क्योर स्किन के, पहली बात तो सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जो भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन सबको पता होगा कि उन्हें एक अपनी पर्सनल डर्मेटोलॉजिस्ट मिली हुई है जो कि बहुत ही अच्छी है, और जो हमारी स्किन का हमारी स्किन से भी ज़्यादा ख्याल रखती है, और हमें हर चीज़ से अच्छे से गाइड करते रहते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है, कैसे नहीं। तो मैंने भी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को बोला और मैंने उन्हें बताया कि मैम ऐसा ऐसा था बीच में, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, मैं प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर पा रही थी। तो सिर्फ मैं, मेरे को लगा शायद फेस वॉश अगर मैं रोज़ यूज़ करती रहूँगी तो मेरी स्किन ठीक रहेगी, बट ऐसा नहीं है। हमें सारे प्रोडक्ट जो जो दिए हुए हैं जिस जिस टाइम पर यूज़ करने के लिए, वो सारे अपना स्किन केयर अच्छे से करना है, और मैं नहीं कर पा रही। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ फेस वॉश यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन पर ऐसे ऐसे रेड मतलब पैचेस जैसे हो गए हैं, अजीब से ही बहुत फेस हो गया था। तो उन्होंने मेरे से मेरा स्किन एनालाइज करा, उन्होंने मेरे से मेरी रीजनिंग की फोटो मांगी, देन मैंने उनको वो फोटो दी, और सच में उन्होंने मुझे बताया कि आप कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है। मतलब पता है ऐसा होता है ना, जब हम कहीं बाहर दिखाते हैं किसी और ऐप पे देखते हैं, पहली बात तो कोई ऐसा ऐप है ही नहीं कि जहाँ हमारे को पर्सनल डर्मेटोलॉजिस्ट मिले और जो हमारे 10 से 15 डेज में हमारी स्किन केयर कर सके, हमेशा हमारे को देखते रहें, ऐसा कोई भी ऐप नहीं है। तो सिर्फ एक क्योर स्किन में ऐसी खास बात है जहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे एकदम 10 से 15 डेज में हमारा फॉलोअप लेते रहते हैं, जो भी हमारी डाइट प्लान होता है वो हमें बताते रहते हैं, जो भी स्किन में दिक्कत होती रहती है
लेती है हमारा फॉलोअप की मतलब स्किन में कैसा चल रहा है, प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब कुछ लेते हैं। तो उनकी वजह से हम भी खुद अपनी स्किन पे ध्यान दे पाते हैं। बाकी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम नॉर्मल कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, हाँ थोड़े दिन करा ठीक लगा, नहीं लगा तो फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कर लिया, उससे हमारी स्किन बहुत खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे रहती है, तो मेरी स्किन, मैं क्योर स्किन की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ इसलिए अच्छी रहती है। तो मैंने अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करी तो उन्होंने बोला आप कोई बात नहीं, अभी तो आपने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, बट अभी आप अपना डाइट प्लान दोबारा से फॉलो करो जैसा आप कर रहे थे, क्योंकि बीच में मेरा सब कुछ बिगड़ गया था आपको पता है प्रेगनेंसी को लेके। तो मैंने दोबारा से अपना जो डाइट प्लान था उन्होंने मुझे बताया वही कंटिन्यू करा, 1 week 10 days हो गए हैं मुझे दोबारा से कंटिन्यू करते हुए। और उन्होंने बोला अपना आप पूरा, जब आप बाहर जा रहे हो या घर के अंदर हो, अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आपको जरूर लगानी है। ये तीन चीज़ तो जरूर यूज़ करनी थी उन्होंने बोला, घर पर रहने के बाद भी। और मैं ये सब चीज़ यूज़ नहीं कर रही थी घर पर रहने के बाद, तो मैं मॉइस्चराइजर से फेस वॉश कर रही थी, वो भी दिन में 4-5 बार। बट 4-5 बार आपको वॉश नहीं करना है, आप एक सुबह और एक शाम को यूज़ कर लेंगे वही बहुत ज़्यादा है, वही ठीक है मतलब। और मगर उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जल ज़रूर यूज़ करना है। तो मतलब सच में वो डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे पास थे इसलिए मुझे अपना स्किन को मैं एकदम ठीक रख पाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। तो गाइस क्योर स्किन ऐप आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, क्योर स्किन ऐप के प्रोडक्ट यूज़ करना, आपको स्किन में जो भी दिक्कत है वो सारी आप ठीक कर सकते हैं। वो आपको वहाँ पर डाइट प्लान भी बताएंगे और आप अपना डाइट प्लान भी रेगुलर रखेंगे तो आपको स्किन में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योर स्किन ऐप से अपने आपको एक पर्सनल डर्मेटोलॉजिस्ट मिलेंगे, उनसे आप खुद ही बात कर सकते हैं। हर 10 to 12 days में वो आपका फॉलोअप लेते रहेंगे आपकी स्किन कैसी है नहीं कैसी नहीं, पहले आपका स्किन एनालाइज लेंगे कि पहले आपकी स्किन कैसी थी और प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको कितना फ़ायदा मिला। तो ये सब फ्री होता है, कंसल्टेशन चार्ज नहीं है कोई, कितनी बार भी आप उनसे बात करते हो आपको फीस नहीं देनी। बाकी आप किसी हॉस्पिटल्स में जाएंगे या फिर किसी क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर बार कंसल्टेशन चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे 4 days में जाए, 5, चाहे 7, चाहे 10 days, आपको कंसल्टेशन चार्ज देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं देना, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपके किट के पैसे लगेंगे और किट भी सिर्फ आपकी स्किन के लिए होगी। वो ऐसा नहीं कि आपकी स्किन आपके जो कोई मैं यूज़ कर रही हूँ वही किट आपको दे देंगे, जो आप यूज़ कर रहे हो वही किसी और को दे देंगे। तो जो किट आप यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी स्किन टाइप की होगी। तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं क्योर स्किन ऐप में। तो ये है पर्सनल किट मेरी क्योर स्किन की जो कि बहुत बहुत अच्छी है और मेरे को इनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो अब मेरी स्किन पर आप देख लो कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत दिन पहले भी सब कह रहे थे कि दी आपकी स्किन पर गर्मी की वजह से ऐसा हो गया, तो हाँ मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी, बट अब बिल्कुल ठीक है। आप सामने खुद ही देख रहे हो कैमरे में, ये विदाउट फिल्टर वीडियो है, कोई फिल्टर नहीं है इसमें। तो ठीक है गाइज, तो आप भी क्योर स्किन ऐप जरूर यूज़ करना, जो भी आपकी स्किन में दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और अगर डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत होती है तो मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन करा हुआ है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते। और गाइज अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे, मेरा कूपन कोड है BY300, तो आपको इसमें स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएंगे। और ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ स्टार्टिंग के 100 सब्सक्राइबर्स के लिए है। जो भी पहले 100 सब्सक्राइबर इस किट को ऑर्डर करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, जो भी स्किन प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाइए और इसे आपको इंस्टॉल कीजिए और अपनी स्किन को बेटर बनाइए। थैंक यू सो मच। कम नो कम क्लोज द डोर। बहुत देर में आए, तुम कहाँ घूमते हो? Come. पहले बताओ घूमते कहाँ हो? 7 बजे। तो गाइज मैंने फिर आगे ब्लॉग नहीं बनाया था, या आ गए थे फिर पानी वानी दे रही थी, तो क्या बताती थी मैं भूली गई। हाँ तो मैं जो ब्लॉग डाला था उससे बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स डालूंगी सारी, जैसे कि फिर अब तक जब ये ब्लॉग पड़ेगा तब तक तो आपको सब क्लियर हो ही जाएगा यूट्यूब वालों को। बाकी जिनको नहीं क्लियर हो पाता यूट्यूब पे तो वो इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, भावना126 आईडी है मेरी इंस्टा पे। और बाकी ठीक हूँ, दिक्कत हो ही रही है, दर्द हो ही रहा है, चक्कर जैसे आ ही रहे कभी कभी सुबह से। तो मैंने आज ब्लॉग बनाएंगे, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अब बनाने लगी हूँ ब्लॉग क्योंकि सुबह से हिम्मत ही नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं हो रही, बट थोड़ा थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा, यहाँ तो कोई है नहीं। मिसकैरेज के बाद हाँ सब बोल रहे हैं कि बहुत आराम करना, बहुत ध्यान रखना, मगर ध्यान तब रखती जब यहाँ पर कोई होता हेल्प के लिए, अब हेल्प के लिए भी कोई नहीं है। और घर से भी मैं किसी को भी नहीं बुला सकती क्योंकि घर पर भी बहुत काम होता है, खेत वेत है, गाय भैंस है, तो वो सब मम्मी देखती है और रोज़ी भी, रोज़ी घर का काम देखती है, तो यहाँ पर भी कोई आ नहीं सकता अभी, इसलिए अभी सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। पेट में बहुत दर्द हो रहा है नीचे वाले साइड। तो अभी मैं सुबह नाश्ता बनाया था आज हमने, मैंने पोहा बनाया था इनके लिए, पराठे और पोहा था, नहीं पराठे और सेवियाँ थी मीठी वाली। और दिन में फिर हमने दाल चावल बनाया था, फिर मैं सो गई, जब मैं सो ही रही थी पूरा दिन, अभी मैं नहाई हूँ शाम को उठ के, और अभी मैं रात का खाना बनाने लगी हूँ। गोभी काट दी है, यहाँ पे भी गो के रख दी है, और ये आटा यहाँ पे लगा रही हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं।
अभी आटा वगैरह मैंने लगा दिया है और गोभी काट ली, मगर आलू ही नहीं। मैंने इनसे बोला था कि आलू लेकर आना, मगर ये भूल गए। हाँ, बहुत कमज़ोरी आ जाती है शरीर में, इतना ऐसा लग रहा है ना मेरे हाथ पैर में जान ही नहीं हो रही है। पैर तो मेरे ऐसे थर थर कांप रहे खड़े होने में। बाकी ये है कि काम तो यार करना ही पड़ेगा, काम नहीं होगा तो खाएंगे क्या। चलो कोई बात नहीं, जैसा है होता रहेगा, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। और अभी फिर मैं थोड़ी देर में खाना बनाऊँगी, उसके बाद फिर दिखाती हूँ क्या होता है क्या नहीं। Hey guys, good morning। और कल वाला ही ब्लॉग है कंटिन्यू कर रहा था, तो मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई क्योंकि इनकी वजह से। हाँ, मेरी भी मुझे पता है। कल हम रात को सब्जी लेने गए थे, फिर ये मेरे को भी लेके गए ज़बरदस्ती, मैं जाना नहीं चाहती थी। इन्हें मेरी बहुत चिंता थी ना, पहले जूस पी के आ गए खुद, फिर मैंने थोड़ा सुना दिया, फिर मेरे को लेके गए पिलाने के लिए जूस। मजाक कर रही हूँ, गलत है। तो गाइज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और सुबह दर्द तो मेरे पेट में हो ही रहा है यार अभी भी। तो कल रात को फिर मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई, मैं भूल गई। कल हम जूस पीने के लिए गए, फिर शाम को वहां पर। हाँ, ये तुम्हारी कटोरी है भाई। तो बाबू इनकी तो बर्तन नहीं है क्या? नहीं है गाइस, इनको ना सुबह इतनी सी नमकीन दो खाने के लिए, ये इसे भी छोड़ देंगे। इन्होंने कैसे कटोरिया सजा रखी है देखो। मैंने सजाई कटोरिया? मैं नमकीन फेंक दू? मैं तो खा नहीं सकती थी। देखो अच्छा, मूंग की दाल और भुजिया तुम्हारी मिक्स कर दूं ना। ठीक है, मैं दाल ले, मैं दाल देखो, मूंग की दाल देती हूँ बचा देते, आलू भुजिया देती हूँ बचा देते, ठीक है। फिर शाम को इनको चाय के साथ ये स्नैक्स दो, ये बचा देते। ये कटोरियों में इनके बच्चे कुछ बचे हैं, अब मैंने फेंक तो सकती नहीं। तो गाइस छोड़ो ये सब बात, कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज दोबारा से ब्लॉग बना रही हूँ। अभी ये पानी की बॉटल भर दी इन्होंने, तैयार हो गए ड्यूटी के लिए, और मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ फटाफट से। यार पता है गाइस, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बोल गया, चाय मैंने इनको बना के दे दी, अब एक पराठा और दे के आती हूँ। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। ऑल ऑन एक भी नहीं। और यार गाइज, आप लोगों ने तो सच में परेशान कर दिया मुझे, इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी। आधे जनों ने इंस्टा पे वीडियो देखी, आधे जनों ने यूट्यूब पे देखी, और धुंधला रामलीला हो गई पूरी मिक्स होके। कोई कुछ बोल रहा है। गलती मेरी है वैसे तो, मैंने आधी वीडियो वो वाली वीडियो वहाँ डाली, वाली वीडियो वहाँ डाली, मगर यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू वाली डालूंगी ना, जो जो हुआ जैसे जैसे हुआ, तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। चलो मैं आज ही बनाती हूँ क्यू एंड ए व्लॉग, ठीक है, फिर डालती हूँ। सारे क्यों डाल चुकी होंगी बाबू? हाँ, तब तक मैं सारे डाल चुकी होंगी, सही बात है। चलो कोई तब दिमाग अभी तो मेरे को सब्जी बनानी है, पराठे बनाने हैं पहले।
भी बोल रहा था जीजू बच्चे की तरह बैठ के खाते हैं पैर फैला के। देखो सच में नाश्ता कैसे करते हैं, यूं फैला लेंगे पैरों को बैठ जाएंगे। भाई ये चले गए ड्यूटी और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत 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 सारे। भाई मैं पतली हो गई क्या बहुत ज़्यादा? मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, मतलब शरीर में जान ही नहीं लग रही। मुझे बहुत सारा काम करना है, झाड़ू पोछा और इतने सारे कपड़े हैं ना, एक हफ्ते से कपड़े नहीं धुले क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट थी और मेरे को तो लग रहा था, मतलब वैसे मेरे हस्बैंड ही धो रहे थे, दो बार से उन्होंने ही धोए थे कपड़े हफ्ते हफ्ते में संडे संडे को, क्योंकि मेरे को झुकते टाइम दर्द हो रहा था पेट में। मशीन तो है नहीं ना यहाँ पर, तो इस बार भी सोचा था अगर मैं रहती तो संडे को वही धोते, तो अब तो ऐसा नहीं है ना कुछ, तो मुझे धोने आए अभी कपड़े। वैसे ऐसा उन्होंने कहा नहीं है कुछ भी, उन्होंने बोला मतलब क्या कहा नहीं क्या ऐसा भी नहीं है, तो मैं अब उनको तो धोने दूंगी ना जब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तो फिर मैं यहाँ धो देती हूँ सारे कपड़े, झाड़ू पोछा कपड़े, अपने लिए नाश्ता सब करना है, फिर दिन का खाना बनाना है। तो अभी तो मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं है, पहले मैं 10 मिनट की नींद लूँगी। एरोप्लेन, अरे यार गाइस पता है इतनी नीचे एरोप्लेन जाता है ना यहाँ पर, इतनी नीचे बहुत ज़्यादा, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। मैं भी दौड़ के गई ना वहाँ तक तो मेरे बहुत दर्द हो गया। चलो कोई बात नहीं, लीव इट, अभी मैं आज पहले आपका पहला वाला व्लॉग डालती हूँ यार। गाइस तो 10 मिनट मैंने आराम कर लिया था, उसके बाद मैं उठ गई थी और अब मैं बनाने लगी अपने नाश्ता। पहले मैं नाश्ता करूँगी उसके बाद मैं सफाई करूँगी, क्योंकि पहले मैं कुछ खाऊंगी उसके बाद मेरे शरीर में ताकत आएगी, अभी मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो उसके बाद नहाने के बाद सॉरी नाश्ता करने के बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और इतने मच्छर हो रहे हैं, सारों पर काट रहे हैं, तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हम करेंगे कपड़े धुलाई। फिर आज से आपको मेरी दोबारा से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी एकदम खुश वाली, क्योंकि मैं बहुत ही दुखी वाली और बिल्कुल भी दुखी नहीं रहना है अब, यार सब चीज़ चल जाएगी मेरी मेहनत। गोभी की सब्जी मैंने इसमें मसाले नहीं डाले, अब डालूंगी, अभी फ्राई हो रही है थोड़ी। मसाले ऐड हो गए और अब वो जिस तरह से दिख रही है, और अब मैं इसे कर दूंगी ढक्कन लगा के बंद और गैस कर दूंगी स्लो। सब्जी बनने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, जब तक मैं सोचूं झाड़ू मार लेती हूँ और फिर अपने लिए दो परांठे या रोटी बना के खा लूंगी। सफाई हो गई और मैं बहुत बहुत थक गई, थकी इसलिए नहीं सफाई करी क्योंकि अभी बहुत दर्द हो रहा है कमर में भी, और फिर सफाई यार बहुत दिन से ढंग से नहीं हो रखी थी, बहुत अजीब सा ही लगता है खुद को गंदगी में रहना, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिल पाता, सुबह सुबह इनको 7 बजे जाना होता है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने अभी झाड़ू पोछा से कर दिया है, पानी भरने के लिए रख दिया है,
एक बाल्टी से कि मैं नहा लूँ और एक बाल्टी से कि मैं कपड़े भिगो दूँ, फिर मैं दिन में धो दूंगी कपड़े 2-3 घंटे बाद। और अभी पहले मैं नहा लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। ठीक है फिर मैं आती हूँ, आपको मिलती हूँ फिर। ठीक है गाइस, तो मैं नहा ली बिल्कुल, सर भी धो लिया, अभी बाल गीले और ऐसे बांध रखे हैं, मतलब बाथरूम से आई थी ना, कपड़े गीले ना हो जाए इसलिए। तो आज मैंने पहना ये बहुत ही सुंदर पर्पल कलर का सूट जो कि मुझे प्रमोशन के लिए आया था, तो मैंने सोचा था बीच में प्रमोशन करूँगी बट ऐसा ऐसा हो गया तो मैं नहीं कर पाई थी। और अब बहुत दिन भी हो गए इस चीज़ को, मतलब हो गए 4-5 दिन, अब मैं हमेशा ही सैड तो नहीं बैठ सकती, मूव ऑन भी करना है अपनी लाइफ में। हर चीज़ होती रहती है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, जो भी होती है अच्छे के लिए होती है, जो भी होती है भगवान हर चीज़ सोच समझ के ही करते हैं, मेरे अच्छे के लिए कुछ सोच के करा होगा। तो छोड़ते हैं अब इस बात को, अब अपनी जैसी लाइफ मेरी पहले थी वैसे ही स्टार्ट करते हैं, भगवान चाहा तो जल्दी से गुड न्यूज़ बाहर से मिल जाएगी। और अभी फिर फिलहाल अभी तो मैं नाश्ता करा नहीं, नहा वाली, आज मेरे को सूट का प्रमोशन करना है तो मैंने ये पहन लिया। ये मुझे रिसीव हुआ है इंस्टा के पेज द यूनिक कार्ट से, द यूनिक कार्ट बहुत अच्छा पेज है और बहुत ही अच्छे से उनके पास सूट वगैरह ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं। तो ये सूट भी, इसके साथ दुपट्टा भी है। अभी मैं शाम को रील्स बनाऊंगी बट ये ब्लॉग जब तक डलेगा तो तब तक मेरी प्रमोशन हो चुकी होगी और रील्स मेरी इंस्टा पे डल गई होगी, आप लोग देख चुके होंगे, कोई कोई उल्टे सीधे कमेंट भी कर चुका होगा कि वीडियो बनाने लग गई या ये है वो है जो भी है। चलो ठीक है, मैं बाल सुलझा लूँ उसके बाद फिर नाश्ता बना लूँ, पहले बहुत भूख लग रही है मेरे को, खाते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है सर, मैंने अपने लिए चाय भी बनाई है। वैसे मैं चाय पीती नहीं मगर अभी थोड़ा गरम खाने को, गरम वरम पीने को ये सब बोला है तो मैंने चाय भी बना ली। और हमारे घर में प्लेट नहीं है तो प्लेट ये छोटी प्लेट कम पड़ गई, जगह भी कम हो गई, सब्जी परांठे के ऊपर ही आ गई पूरी। चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं कभी भी नहीं पीती, बस एक करवा चौथ के दिन जब दिन में पूजा होती है उसके बाद पीती हूँ, वो भी बहुत पेट खाली खाली लगता है इसलिए। तो अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता, बहुत भूख लग रही है, खाली है पेट मेरा। और टाइम पता क्या हो गया, 10:37 सॉरी, बहुत चक्कर आ रहा है मुझे। कितनी जल्दी आ गए, इतने बजे आ गए, 11:30 बजे आ गए। प्रैक्टिकल कैसा हुआ? ठीक हुआ। तो इतनी जल्दी क्यों आए, ढंग से पूरा करके क्यों नहीं आए? अरे वहाँ बंदे बुला रहे ना, ये एक एक करके। हाँ ये इतनी जल्दी आ गए, देखो कितने मजे। अभी कोई पता नहीं, बहुत जा भी सकता हूँ, बुलाएंगे इसको, वैसे बुलाएंगे नहीं क्योंकि अभी अब तो ये मेरी वीडियो बनाएंगे। ठीक लक लक डिंग डिंग लक, क्योंकि अभी आधे बंदों का ही हुआ है, मेरा 33 नंबर था, थोड़ा सस्ता हो गया। पानी ठंडा, ग्लूकोज बनाओ। नहीं ग्लूकोन डी बनाती हूँ। गाइस मजे आ गए, आज जल्दी आ गए। देखो अच्छा मैंने सफाई करके रखी हुई थी, नहा के भी मिले तैयार हो रखी थी बढ़िया। अब मैं इनके लिए कुछ नींबू पानी जैसा बना लेती हूँ। हाय हाय धन्यवाद। ब्यूटी पाई नहीं, मैंने पेरी पक्का सामान भर रही हूँ मैं। और इनको यहाँ देखो जरा क्या कर, क्या कर रहे हैं ये। शुक्रिया मैम का फ़ोन आ रहा है।
तो गाइज मेरी रील्स वगैरह बन गई प्रमोशन के लिए जो प्लान थी मुझको, और बहुत प्यारा सूट है सच में। कपड़ा वपड़ा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इनके पेज पे हमेशा ही कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी और डिज़ाइन वगैरह भी। तो अभी इन्होंने बोला भूख लग रही है, खाना सुबह नाश्ते करके देते, मगर वैसे भी खाने का टाइम हो ही गया, एक बजे और दिन भी आते हैं और 12:30 हो ही गया, तो मैं खाना बनाने लग गई हूँ। फिर सूनी सूनी लग रही हूँ ना मैं, हाँ ही मैंने इयरिंग वगैरह पहने ना, सब उतारा है अभी। तो अभी ने बोला मेरे को दाल वाली खिचड़ी खाने का मन है, जो ये काली दाल और सफ़ेद चावल वाली भी बनती है, बड़ी टेस्टी सी। तो मैंने यहाँ आलू काट लिए हैं, दिख रहे, प्याज काट लिए हैं और दाल रख दी है। अब मैं बना देती हूँ अपनी खिचड़ी, फिर खा लेते हैं। मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा पेट अभी फुल भरा है, अभी मेरा पांच ही खाएगा। बन चुका है, हम जा रहे हैं खाना लेने। ये डाल रहे हैं इधर खाना। अब क्या बनाया, क्या बनाया आज? जो तुमने बोला था क्या? हाँ खिचड़ी, अभी ये पुलाव बोलते थे थोड़ी देर, मैं बोला खिचड़ी। खिचड़ी बोल सकते हैं क्यों? व्हाई? पुलाव मटर पुलाव वाले को बोलते हैं। अच्छा जी, मटर जब जलेगी तभी पुलाव होगा, ऐसा नहीं होता है। ये खिचड़ी है, दाल वाला पुलाव, दाल वाला नहीं, ये तो खिचड़ी है, तो खिचड़ी है वो भी खिचड़ी है। और ये खा नहीं रहे, मैं खाऊंगा, मुझे मजा आता है इसको खाने में, मेरे को बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। अभी नहीं खा रहे, लेकिन नहीं पराठे खाए, दूध भी ले रहा हूँ मैं। और पता है मैंने खाना बहुत लेट खाया। क्यों? और तुम आज सोए भी नहीं? हाँ। कोई नहीं, अभी सो जाओ। सफाई करी थी ना? अभी सो जाओगे। तो इसलिए देर हो गई। क्या मस्त लग रहे हैं तुम्हारे बाल यार, वाओ। हाय हाय। हाँ हाँ, झूठ तो बोलोगे, अभी पता नहीं। हाय, मैं मर जावा? हैं? नहीं, मैं मर जावा, मैं मर जावा। चुप रहो। मर जावा। वाह, व्हाट अ लिपस्टिक, देखिए ये, देखिए ये इसका कलर है, देखिए देखिए, देख भी नहीं रहा। गाइस मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं मार रही हूँ, हाथ पे लग रही है तब भी। मेरे लग रही ना? मेरे लगी है मार। अच्छा सॉरी, हाथ पे लग रही है, कितने से बड़े हाथ पे? वही जा रे, सिबॉल है। गाइस चुप रहो, ये ऐसे इंसान है ना, ये मैंने, चुप रहो, भूल गई, तुम्हारा भी भुला, तमीज से बोला करो, भूल गई मैं तब। ये इन्होंने दूध निकाला है अभी अंदर से, ये इनके लिए मैंने ये बनाया निकाला सब। थैंक यू सो मच। और इनका काम देखो, थैंक यू, इनका काम देखो जरा, ये पतीले से इन्होंने दूध निकाला है, अब खाली पतीला फ्रिज में। थैंक यू। क्या है ये, मतलब तुम्हारे ये काम है? सॉरी, तुम सारी काम ऐसे करते हो? सारे धोने की बात नहीं करी मैंने, मैंने यहाँ सिंक में रखने की बात करी है। तुम्हारे सारे काम ऐसे क्यों रहते हैं बाबू, जो बताओ। ये बाथरूम में नहाते हैं, ठीक है, जो साबुनदानी होती है वो वहां पड़ी रहेगी, पॉट के पास, वो पॉट के पास ही रहेगी। रुक जाओ, तुम्हारी वहां रखो ना, जस्ट थोड़ा साइड में। तुम्हारी शैम्पू की बॉटल, तुम शैम्पू लगाते हो, तुम्हारा शैम्पू बॉटल वहीं पड़ा रहेगा जहां तुम लगा के रखोगे उसको। ये